खबर नागिता से है, जहां रमजान के माह में सामाजिक सौहार्द के लिए शहर के युवा नरेंद्र लोहार ने मुस्लिम समुदाय के साथ एकता की मिसाल पेश की है। बता दें, काल भैरव मंदिर के संरक्षक नरेंद्र लोहार ने बुधवार को सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। रमजान के पावन पर्व पर नरेंद्र लोहार ने पुरानी नगर पालिका चौराहे पर मुस्लिम समाज जनों को रोजा इफ्तार कराया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज जनों ने नरेंद्र लोहार का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बंटू, जिनाइन, राजू लाला, जितेंद्र प्रजापत, रवि सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज गंगा जमुना तेजी पे भाई नरेंद्र लोहार काल भैरव युवा मंच के संरक्षक द्वारा मुस्लिम समाज को रोजा इफ्तार की पार्टी दी गई, और ये नरेंद्र भाई द्वारा ये संकेत दिया गया है, ये समझाइश दी गई है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जरूरी नहीं कि कोई मुस्लिम ही रोजा इफ्तार का इंतजाम करे। नरेंद्र भाई ने ये एक रोजा इफ्तार की पार्टी देकर सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई मिसाल कायम करी है, और मैं और मुस्लिम समाज की तरफ से नरेंद्र भाई और उनके साथियों का तहे दिल से दिली स्वागत करता हूँ, और इस नई पहल का मैं काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ताकि दूसरे भी लोगों से मुस्लिम समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, कोई भी हो, कि इस तरीके के भाईचारे को, अमन को कायम रखे और देश हित में इससे काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत।